साबिक रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने JUI में शमूलियत का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं आज यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। जी शहाब बताइएगा। जी ये नूर आलम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज होके वो नाराज अराकीन में शामिल हो गए थे और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शोकाज नोटिस भी मिला था। जब आदम एतमाद हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन जो उस वक्त के वजीर आजम थे, तो अब नूर आलम खान यहाँ पिशावर में हल्का इन्हें 27 से ये कामयाब हो गई थी। उस वक्त पहले ये इन्हें तीन था पाकिस्तान की बस पार्टी से ये कामयाब हो गए थे 2008 इंतखाबात में, 2013 में फिर हार गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और 2018 में फिर ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हो गए। आज वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर्रहमान ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने JUI में शमूलियत का फैसला कर लिया। अपडेट कर रहे थे शहाबुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका।